कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन आ चुका होगा आप लोगों के लिए, मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अंक अधिक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो ए के अंक बताएं। इसमें ए के अंक अर्थात मार्क्स पूछा है। देखिए सी से ही सब कुछ जुड़ेगा क्योंकि सी का परसेंटेज नहीं दिया है। बी सी से 5% अधिक प्राप्त किया है और ए बी से 10% अधिक प्राप्त किया है। तो पहले हमें सी का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो सी का परसेंटेज निकालते हैं हम लोग। सी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो उसने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं। अगर हम लोग सी की बात करें तो वह 400 में से 300 अंक प्राप्त किया है। तो परसेंटेज निकालना आप सबको मैंने पहले ही वीडियो में सिखाया था कि जिससे परसेंटेज निकालना है उसे लिख दीजिए नीचे और जितना परसेंट निकालना है वो ऊपर, मतलब जितने मार्क्स वह पाया है वो ऊपर लिख दीजिए, जितना पूर्णांक था जिसमें से वह पाया है उसे नीचे लिख दीजिए, आउट ऑफ 100% कर दीजिए, परसेंटेज निकल जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कट गया तो ये ऊपर हो गया कितना 300 और नीचे हो गया आपका 4। अगर 4 से हम लोग इसे काटेंगे तो क्या कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा। 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 पंचे 20, हमें मिल गया 75%। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप लोग पढ़िए क्वेश्चन, आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। अगर सी लाता है 75% और बी इससे 5% ज्यादा लाया है तो सी बी का कितना हो जाएगा? 80%। अब पढ़िए ए क्या बोल रहा है। ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए तो ए का कितना हो जाएगा? 80 से 10% अधिक, मतलब 90%। अब पूछ क्या रहा है, ए के अंक बताएं। इजी हो गया, आपको पता चल गया कि जो टोटल मार्क्स है 400 का है क्योंकि इसने 400 में से 300 प्राप्त किया था और ए ने 90% अंक प्राप्त किए हैं। अब आपको यह निकालना है कि उसके अंक कितने हैं। तो 400 का 90% निकाल दीजिए, अंक आ जाएगा। तो 400 का 90% आप कैसे निकालेंगे? अगर देखिए कोई भी चीज होती है मेरे साथ समझा करिए, आप लोग भागने की कोशिश मत करिए। आप सबको परसेंटेज निकालना पता होगा लेकिन देखिएगा, 400 का हमें 90% निकालना है बटे में 100। ये बटे में 100 क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो परसेंटेज है लगा हुआ यहाँ पर, परसेंटेज का मतलब ही है बटे में 100। ठीक, मैंने पहले वीडियो में बताया है परसेंटेज के। दो जीरो से दो जीरो कट गया तो 4 9 36, एक जीरो बढ़ गया, 360 हो गया कि नहीं? 360 अगर ऑप्शन में मिले तो आप लोग टिक कर दें। ऑप्शन सी में आपको 360 मिल रहा है, आप लोग इसे टिक कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? अब हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का आप लोगों को मिलेगा तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट तक रहिएगा। और ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कोई भी एग्जाम दिया होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिले होंगे। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। एक चुनाव में कुल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह 298 मतों से चुनाव हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश किया करिए। अगर आप क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ लेंगे जैसे यहाँ पर लिखा है, पूरा क्वेश्चन एक बार फिर पढ़िए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक चुनाव है, उस चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, बस एक प्रत्याशी 40% मत प्राप्त करता है और 298 मतों से चुनाव हार चुका है तो कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस चुनाव को मानेंगे हम 100%, मतलब चुनाव में जितने मतदाता हैं 100% मान के चलेंगे। तो पहले ने प्राप्त किया इसका 40% अगर, तो जाहिर सी बात है दूसरा प्राप्त करेगा 60%। तो इन दोनों का अंतर कितना है पहले लिख लीजिए, 20%। मतलब ये जो ए है इसे ए मान लीजिए, इसे बी। अब बोला गया है कि ए कितने वोटों से जीता है? 298 वोटों से हार गया है, सॉरी ये 60% है तो यही जीतेगा ना। ये 40% प्राप्त करता है और 298 वोटों से चुनाव हार जाता है। तो अगर 100 में से 40% यह प्राप्त किया है तो जो जीता है वह 60% प्राप्त करेगा।
अगर यह 298 वोटों से हारा है तो जो जीता है 298 वोटों से ही जीता होगा, और परसेंटेज का जब हमने अंतर निकाला तो 20%, तो आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि इस 20% के बराबर ही 298 वोट हैं, क्योंकि वह 20% कम पाया है और 298 वोटों से हारा है। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, समझ में आएगा। इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं ऐसे, ठीक। तो अगर 20% बराबर 298 आ गया, आपने निकाल लिया, तो पूछ क्या रहा है, डाले गए कुल मतों की संख्या। तो 100% निकाल दीजिए, 20% बराबर 298, तो 100% के बराबर क्या होगा, 298 और बट्टे में 20 गुणे 100%, तो 20 से काट दीजिए, 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5 अट्ठे 40, 5 नवा 45, और 45 में 4 जोड़ेंगे 49, 5 दूनी 10 और 10 4 14। क्या 1490 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है, ठीक, इसे टिक कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अगर देखिए समझ में नहीं आया होगा, लाइव क्लास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जहां तक ये इंटरेस्टिंग है और आप लोग ध्यानपूर्वक इसे समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है, और तीसरा क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को वो भी दिख रहा होगा, आ चुका होगा। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले हैं और वह 40 अंकों से फेल हो गया। फिर एग्जाम वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले हैं और वह 40 अंकों से एग्जाम में फेल हो चुका है, जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। देखिए, पास होने के लिए चाहिए 40%। अगर कोई भी विद्यार्थी 40% प्राप्त कर लेगा तो वह पास हो जाएगा, और ये जो विद्यार्थी फेल हुआ है, 40 अंक प्राप्त किया है और 40 अंक से फेल हुआ है। देखिए ऐसे, पास होने के लिए 40% चाहिए और वह 40 अंक प्राप्त किया है और 40 अंकों से फेल हुआ है, तो अगर हम उसे 40 अंक और दें अपनी तरफ से तो वह पास हो जाएगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, इसमें परीक्षा का पूर्णांक निकालना है, ठीक। तो वह 40 नंबर पाया है, अगर इसे हम 40 नंबर दें, क्योंकि 40 से वह फेल हुआ है, ठीक। तो 40 नंबर अगर हम उसे देंगे तो वह पास हो जाएगा, मतलब वह 80 नंबर अगर पाएगा तो वह पास हो जाएगा, और पासिंग मार्क्स का जो परसेंटेज है वो क्या है, 40%। अगर कोई विद्यार्थी 80 नंबर पाएगा तो पास हो जाएगा, क्योंकि 40 नंबर उसने प्राप्त किए थे और 40 नंबर से वह फेल हो गया, तो हमने कहा यार इसे काम करते हैं हम, 40 नंबर अपनी तरफ से देके इसे पास करवा देते हैं। तो हमने उसे 40 नंबर जब दिया, ऐड करने पे 80 आया, मतलब ये 80 नंबर 40% के बराबर है, क्योंकि पास होने के लिए 40% की आवश्यकता थी। तो अब आप देख लीजिए, अगर 40% बराबर 80 अंक होता है तो पूछा क्या है, परीक्षा का पूर्णांक, मतलब 100% पूछा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा डियर, तो 200, टोटल मार्क्स 200 का। 200 कैसे आया सर, क्योंकि 40% का डबल होता है 80, 40% का अगर अंक 80 नंबर है तो 100% का जायज सी बात है 200 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर यह पूछा होता कि आप इसमें हमें 30% का बताइए, 30% कितना होगा, तो 30 आप क्या करेंगे, 30 का डबल कर देंगे 60। अगर 50% पूछता तो आप क्या करते, 50 का डबल कर देते 100 नंबर, ठीक। तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चौथा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक। ये देखिए व्हाइट बोर्ड है, चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही है या नहीं, लाइव क्लास नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्वेश्चन सही तरीके से आपको दिख रहा है कि नहीं ये आप लोग बताएंगे, ठीक। चौथा क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, आप लोग पढ़िए मेरे साथ। राजू को 40% अंक मिले हैं किंतु वह 15 अंकों से एग्जाम में फेल हो गया है, और काजू ने 40% अंक प्राप्त किए हैं जो उत्तीर्णांक से 35 अंक ज्यादा है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। इसमें पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। यहां ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए, राजू को 30% अंक मिले हैं, पहले जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है उसे हम लोग लिख देते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा। पहले हम लोग राजू को निकाल लेते हैं। राजू ने क्या किया, 30% अंक प्राप्त किया है
और 15 अंकों से फेल हो गया है। फेल हो गया मतलब 15 नंबर कम पाया, तो हम लोग माइनस का सिंबल डाल देंगे। अब चलते हैं काजू की तरफ। सगे भाई थे क्या ये राजू और काजू? तो काजू ने 40% अंक प्राप्त किए। कितने? 40% अंक प्राप्त किए, तो मतलब यह पास है। उत्तीर्णांक से 35 अंक ज्यादा पाया है, मतलब यह 40% प्राप्त करके 35 अंक ज्यादा लाया, मतलब प्लस में कर देंगे। अब क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर एग्जाम से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन बने जिसमें दो विद्यार्थी हों, एक पास हो रहा है एक फेल हो रहा है, और एक फेल होने से सॉरी पास होने से कितने कम नंबर पाया है और दूसरा कितना ज्यादा नंबर पाया है, अगर इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे तो आपको सिंबल पर ध्यान देना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर एक है आपका। अगर ये दोनों सिंबल सेम होंगे, यहां मैं लिख देता हूं, अगर समान सिंबल होंगे तो आप इसे माइनस कर देंगे, एक दूसरे में से घटा देंगे। अगर यह असमान सिंबल रहा, मतलब प्लस माइनस रहा, तो आप इसे जोड़ देंगे। जैसे आप लोग मैथ के रूल में पढ़ते हैं कि समान सिंबल है तो जोड़ देंगे, असमान है तो घटा देंगे। लेकिन ये आप क्या पढ़ रहे हैं? एग्जाम से रिलेटेड परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं। तो यहां आपको ध्यान देना होगा कि जो उसमें आप देखते थे कि माइनस माइनस जुड़ता है, प्लस प्लस जुड़ता है और माइनस प्लस घटता है, तो उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। अगर प्लस माइनस है तो हम जोड़ेंगे, अगर दोनों सिंबल सेम है तो हम घटा देंगे। तो यहां क्या है, दोनों सिंबल सेम है तो इसे जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 5, 5, 10, 3, 4, 1, 5, मतलब यह हो गया 50 अंक। इसका अंतर निकालिए, इसका अंतर आया 40 और 30 का अंतर 10%, तो हमें मिल गया 10% बराबर 50 अंक। पूछ क्या रहा है वो देखिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं? यहां तक जाने के लिए आपको तीन स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? पूर्णांक निकालना पड़ेगा। अगर 10% बराबर 50 है तो 100% इसका पूर्णांक होगा, तो 100% बराबर 500। क्लियर हो गया? पूर्णांक अगर पूछता तो 500 बताते आप। अब क्या कह रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं? तो अगर देखिए राजू को पकड़िए, राजू ने 500 का 30% प्राप्त किया है और 15 अंकों से फेल हुआ है। जैसी कृपा हम लोगों ने पिछले विद्यार्थी पर की थी कि वह 40 अंकों से फेल था तो उसे हमने 40 नंबर दे दिए थे, इसी तरह से राजू को भी दान कर देते हैं 15 नंबर और इसे पास करवा देते हैं। अगर 500 का 30% प्राप्त करके राजू 15 अंकों से फेल हो रहा है, तो इसे हम अगर 15 अंक और देंगे तो यह क्या होगा? पास हो जाएगा। जरूरी भी है, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं मिलेगा एग्जाम में। अगर आप पॉइंट एक नंबर से फेल हो रहे हैं ना, तो आप उससे भी फेल कर दिए जाएंगे। इसलिए किसी पर बिलीव करके नहीं चलना, ये तो एग्जाम का रूल है, तो हम लोग दे रहे हैं इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो 500 का 30% और 15 नंबर और देंगे तो वह विद्यार्थी पास हो जाएगा। इस समय हम निकाल रहे हैं क्या? पासिंग मार्क्स, क्योंकि पासिंग परसेंटेज इसने पूछा है कितने प्रतिशत की आवश्यकता है। तो देखिए, पासिंग मार्क्स ज्ञात करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें उसका पूर्णांक पता करना पड़ेगा। तो हमने पूर्णांक निकाल लिया कि 10% बराबर 50 था, तो 100% बराबर 500। अब अगर परसेंटेज निकालना है हमें पासिंग मार्क्स का, तो पहले पासिंग मार्क्स तो पता होना चाहिए हमें कि पास होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता है। जो आएगा उसी को हम 500 में से परसेंटेज उसका निकाल देंगे। तो चलिए, तो इसे सॉल्व करिए। 500 परसेंटेज का मतलब क्या है? बटे में 100, 30 बटे में 100। आप परसेंटेज से डायरेक्ट दो जीरो काट सकते हैं, ये आप लोगों को समझाऊं मैं इस वजह से कर रहा हूं। तो 1 0 2 0 1 0 2 0, तो 5 3 15, 150 प्लस 15 बराबर 165। ये आया हमारा क्या? पासिंग मार्क्स आया, उत्तीर्ण होने के लिए अंक आया। अगर कोई विद्यार्थी 500 में से 165 अंक प्राप्त कर लेगा तो वह पास हो जाएगा। लेकिन यार गुरु, ये तो पूछ रहा है कि कितने परसेंट की आवश्यकता है, तो आपको यह ज्ञात करना है अब कि ये 165 500 का कितना परसेंट है, क्योंकि ये जो 500 है यही तो हमारा क्या है? पूर्णांक है। तो चलिए निकाल देते हैं। 165 नंबर पाया वह 500 में,
परसेंटेज निकालने के लिए 100% का गुणा, दो जीरो से दो जीरो कट गया, पांच से अगर काटेंगे तो पांच तिहाई पंद्रह, एक बचा पांच तिहाई पंद्रह, मतलब 33% अगर कोई व्यक्ति पाएगा तो वह पास हो जाएगा। एक बार फिर से समझाता हूं क्योंकि तीन कॉन्सेप्ट है, ध्यान से चलिए मेरे साथ। राजू को क्वेश्चन पढ़िए फिर से। राजू को 30 अंक मिले हैं किंतु वह 15 अंकों से फेल हो गया। काजू ने 40 अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 35 अंक ज्यादा है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं? तो हमने लिखा कि राजू 30% प्राप्त किया लेकिन वह 15 अंकों से फेल हो गया है, तो यहाँ माइनस का सिंबल हमने डाल दिया। काजू 40% अंक प्राप्त किया, 35 अंक ज्यादा प्राप्त किया प्राप्तांक से या उत्तीर्णांक से, तो उसे हमने प्लस में लिख दिया। और यहां हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर सिंबल सेम हो तो हम उसे जोड़ घटा देंगे, और अगर सिंबल असमान हो, भिन्न हो, तो उसे हम जोड़ देंगे। तो सिंबल असमान था तो हमने जोड़ के 50 यहां कर दिया और इन दोनों का अंतर निकाल के इस साइड में लिख दिया, तो 10% बराबर हमें 50 अंक मिल गया। तो 100% इसका पूर्णांक ज्ञात करने के लिए निकाले हम, तो 100% बराबर 500 हो गया। अब हमें उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज प्राप्त करना है, तो सबसे पहले उत्तीर्ण होने का अंक अगर हमें मिल जाए कि कितने अंक पर पास होंगे, तो परसेंटेज हम निकाल लेंगे। तो हमने वही किया, 500 का 30% राजू प्राप्त किया था लेकिन 15 अंकों से फेल हो गया था, तो हमने इसे 15 अंक देके पास करवा दिया। जब इसे सॉल्व किया हम, तो 165 अंक आया कि अगर कोई व्यक्ति 165 अंक प्राप्त करेगा तो वह पास हो जाएगा। तो अब ये 165 500 का कितना परसेंट है, तो हमें ये निकल के आ जाएगा कि कितने परसेंट पर पास होगा। तो 165 का जब हम परसेंटेज निकाले 500 अंकों में, तो 33% आया। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है, आप लोग टिक कर देंगे। ठीक, चलिए पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा चौथा कॉन्सेप्ट था। अब ये पांचवा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। दो से तीन सब्जेक्ट इसमें आएंगे कि कुछ विद्यार्थियों ने इतने सब्जेक्ट लिए हैं, कुछ ने इतने लिए हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आ चुका होगा यहां पर। एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने वाणिज्य या कला या दोनों विषय लिए। ध्यान से देखिएगा, यह नहीं बोला है कि स्पेशल एक एक विषय लिए हैं। प्रत्येक छात्र ने वाणिज्य या कला या दोनों विषय लिए हैं। 65% छात्रों ने वाणिज्य लिया है, 60% छात्रों ने कला लिया हुआ है, और यदि कुल छात्रों की संख्या 540 हो तो बताएं कि कितने छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं। तो बताएं कि कितने छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं। इंटरेस्टिंग है और थोड़ा आपको ट्रिकी भी लगेगा। ये पूछा गया प्रश्न है आपके, ये बैंक में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, बहुत इजी है यार, अगर हम आपके साथ हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा। देखिए क्या बोल रहा है, पहले आप लिखिए यहां पर सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट हैं? दो हैं। कौन कौन सा है? वाणिज्य है, और वाणिज्य के साथ कौन सा है? कला। मतलब कॉमर्स और आर्ट के विद्यार्थी हैं। तो आप पहले यह देख लीजिए ना कि कितने विद्यार्थियों ने वाणिज्य लिया और कितने विद्यार्थियों ने कला। तो 65% छात्रों ने वाणिज्य लिया है, और कितने बचे? 60% छात्रों ने कला लिया हुआ है। तो यार अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 6 × 12 125% हो जाएगा। पूछ क्या रहा है कि कितने छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं। आप अगर दिमाग लगा ले गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कैसे? देखिएगा, किसी भी एग्जाम में परसेंटेज तो यार 100 ही होगा ना। 100% से ज्यादा तो विद्यार्थी नहीं हो सकते। तो ये 125 क्यों हुआ? 100 से कितना ज्यादा है? 25। तो यही तो है, बोथ सब्जेक्ट, मतलब दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 25% है। क्यों? क्योंकि हम जब 65% और 60% को ऐड करेंगे तो वह 125 हो गया, जो 100 से 25 ज्यादा था। और यह बोला है कि दोनों विषय लिए हैं, या वाणिज्य लिए हैं या कला लिए हैं। तो इसका मतलब है कि 25% छात्रों ने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। अब पूछ रहा है कि कुल छात्रों की संख्या 540 है, तो कितने छात्रों ने दोनों विषय लिए? अब यही परसेंटेज निकाल दीजिए। टोटल है 540, और इसका 25% अगर हम निकालेंगे तो 25 बट्टा में 100,
परसेंट का मतलब बटा में 100 कभी नहीं भूलना है आपको। तो 25 चौका 100, तो 540 के बटे में 4 हो गया, तो इसे निकालिए काटिए, 4 एक के 4 14 हो गया, 4 तिहाई 12, 2 बचा, 4 पंचे 20। 540 छात्र टोटल थे, उसमें से 25% छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं, तो 540 का जब हम 25% निकाले तो हमें कितना मिल गया, 135। और ये 135 विद्यार्थी ही दोनों विषय लिए हैं। क्या ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन डी में है, टिक कर दीजिए आप लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं आपका? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसे, ठीक है? कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, यही मेरा सबसे बड़ा मोटिव होता है। और वो जो इन्फ्लुएंसर आए थे उन लोग नहीं दिख रहे हैं, आप लोगों के कमेंट आए मुझे अच्छा लगता है। देखिए कोई बुराई करने वाला भी होना चाहिए, अगर मैं आप लोगों के साथ इतने दिन से बना हुआ हूं और वो ये सोचते हैं कि इस तरह की बुराई करके बच जाएंगे तो ये उनके लिए सबसे बड़ी गलती है। बचने का क्या मतलब है? मतलब मुझे डिमोटिवेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक। मैं आप लोगों के साथ बना रहूंगा, व्हाइट बोर्ड पर ही काम करूंगा मैं, जब तक आप लोग रहेंगे मतलब हमारे साथ तब तक मैं काम करूंगा। अगर एक विद्यार्थी भी देख रहा है मेरा वीडियो ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे द्वारा बताई गई चीजें एक विद्यार्थी को भी सेलेक्ट करवाती हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। अभी आपने देखा होगा जब यूपीएससी का एग्जाम हुआ था तो 4 से 5 बंदे ऐसे थे जिनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैं मेंस लिखने जा रहा हूँ सिर्फ आपके वीडियो से। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, अपने से तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे विद्यार्थियों के कमेंट आए थे जो स्टार्टिंग से मेरे साथ पिछले 1.5 सालों से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी जुड़िए, अगर आपको लगता है किसी एग्जाम में सिलेक्शन होना है, लेना है सिलेक्शन, तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सबसे सुपर हूं, लेकिन मैं बुरा भी नहीं हूं किसी से, ये कौन बताएगा, आप बताएंगे। जैसे लोग आके कमेंट करके जाते हैं ना कि यार तू स्मार्ट बोर्ड नहीं रखा है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो डियर उन लोगों को जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। और आप क्यों देंगे, ये आपके ऊपर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको सही लग रहा है, तो आप जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठवां क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करेंगे। आ गया यहां पर, किसी विद्यालय के 72% छात्रों ने बायोलॉजी तथा 44% छात्रों ने मैथ लिया है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने या प्रत्येक छात्र ने बायोलॉजी तथा मैथ में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 छात्रों ने ये दोनों विषय लिए हों, तो विद्यालय में छात्रों की कुल कितनी संख्या है? अब यहां खेल गया एग्जामिनर आपके साथ, सेम वही चीज है लेकिन इसकी लैंग्वेज बदल दिया। उसमें यह पूछा था कि कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय लिए हैं, और यहां पर उसने दे दिया है कि 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं, यह आपको नहीं निकालना है। इसने पूछा कि विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं, बहुत ईजी है, समझिएगा, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट कितने, तो कौन कौन से, बायो और मैथ। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 72% ऐड करिए, मैथ वाले कितने हैं, 44%। गर्मी बहुत लग रही है, पसीना आ रहा है। अगर इसे हम ऐड कर देंगे तो 72% और 44% ऐड करने पे कितना आएगा, 4 2 6 और 7 4 10 7 4 11, मतलब 116%। किस एग्जाम में 116% होता है, किसी में नहीं, केवल 100% होता है। तो 100% से कितना ज्यादा है, 16%, मतलब ये बोथ सब्जेक्ट वाले हो गए, बोथ मतलब दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें निकल के आई 16%, क्योंकि हमने पिछले भी क्वेश्चन में इसी तरह सॉल्व किया था और इसने बता दिया है कि 40 छात्रों ने ये दोनों विषय लिए हैं, तो इस 16% के बराबर 40 विद्यार्थी हैं। हमसे पूछा क्या है, छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो अगर 16% बराबर 40 है तो 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर होगा आपका 40 बटा में 16 और गुणे में 100%। 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40, 2 से काटिए 50, तो 5 × 50 बराबर 5 × 0 = 0, 5 × 5 = 25, मतलब 250 विद्यार्थी टोटल हैं। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है आपको, ठीक, तो इसे आप लोग टिक कर दीजिएगा।
चलिए सातवां और लास्ट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट अलग अलग मिल रहा है। क्या ये समझ में नहीं आया आपके? इसी तरह से तो पिछला भी था। ना आया हो तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि देखिए बायोलॉजी के 72% छात्र थे और मैथ के 44% थे, दोनों को हमने ऐड किया 116% आ गए। तो किसी भी एग्जाम में किसी भी जगह पर 100% से ज्यादा कुछ नहीं होता। जितने बढ़ रहे हैं ये दोनों सब्जेक्ट वाले हैं, बोथ सब्जेक्ट वाले हैं। पिछले क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, मतलब हमने निकाला ये कि 16% छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं, लेकिन एग्जामिनर महोदय ने हमें बता दिया कि 40 विद्यार्थियों ने। अब आपको ये नहीं पता करना है कि ये 40 विद्यार्थी क्या हैं, कुछ उसने बता दिया है कि 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं और हमने निकाला कि 16% विद्यार्थी लिए हैं, तो 16% के बराबर 40 हो गए। तो पूछ लिया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो अगर 16% बराबर 40 है तो 100% बराबर 250 निकल के आएंगे। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सातवां क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग वीडियो को खत्म करेंगे। अब इसके बाद कौन सा वीडियो चाहिए फिर कमेंट करिएगा आप लोग, अन्यथा मैं आगे बढ़ूंगा। एवरेज या फिर प्रॉफिट एंड लॉस मैं सोच रहा हूँ शुरू कर दूँ आप लोगों का, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपके परसेंटेज से ही रिलेटेड है। गर्मी बहुत लग रही है। सातवां कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आ गया होगा आप लोगों के लिए। एक परीक्षा में 10 प्रार्थी अयोग्य पाए जाते हैं, योग्य प्रार्थियों में 70% सामान्य वर्ग के हैं। यदि अन्य वर्गों में योग्य प्रार्थियों की संख्या 5400 है, अर्थात 5400 है, तो कुल प्रार्थियों की संख्या क्या है? ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें आपको। इसने क्या कहा, पूछा क्या है, एक परीक्षा में 10% प्रार्थी अयोग्य हो जाते हैं, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है यह, और योग्य प्रार्थियों में 70% सामान्य वर्ग के हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा, आप ऐसा नहीं करेंगे कि 10% अयोग्य हो गए, 90% बचे और 90 में से 70 सामान्य वर्ग के हैं तो 20 अदर हो गए। नहीं, यहाँ योग्य प्रार्थी पहले आपको निकालना पड़ेगा। आइए हम लोग निकालते हैं। तो पहले टोटल हम लोग मान लेते हैं एक्स, ठीक है, और 10% प्रार्थी अयोग्य हो गए हैं, तो योग्य पहले निकालिए ना। तो योग्य होंगे कितने, यक्स और इस एक्स का 90% योग्य विद्यार्थी हैं, क्योंकि 100% हमने शुरू में देखा, 100% से 10% क्या हुए, अयोग्य हो गए, तो उन्हें तो हम लेकर चलेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोग, थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुन के समझिएगा। क्या है, एग्जाम हो रहा है, 100% विद्यार्थी उसमें बैठ रहे हैं, जिसमें से 10% क्या थे, नकलची टाइप के थे। जब उन्होंने पेपर दिया तो उनके पास नकल पाया गया और उन्हें बाहर निकाल दिया गया, दौड़ा के मारा गया। अपने यूपी से थे ना, इसमें यूपी में बहुत तेज चल रहा है, ये यूपी बोर्ड का एग्जाम भी हुआ था। तो 10 प्रार्थी अयोग्य माने गए, तो बचे कितने, 90%। तो वो 90% क्या है, वो योग्य हैं। तो कुल योग्य कितने हुए, वही तो मैंने लिखा, टोटल एक्स मान लिया और एक्स के 90% विद्यार्थी योग्य हैं। अब आगे बढ़िए, कॉन्सेप्ट क्या करेंगे आप, स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ेंगे। योग्य प्रार्थियों में ध्यान से सुनिएगा, 70% जनरल कैटेगरी के हैं, सामान्य वर्ग के हैं। यदि अन्य वर्गों में योग्य प्रार्थियों की संख्या 5400 है, अगर इस 100% के 70, अब ये 100% हो गया ना, ये जो योग्य है 90% टोटल के, इसे हम 100% अब मान के चलेंगे, और इसमें से 70% सामान्य वर्ग के हैं, तो कितने बचे, 30% बचे, जो किसके बराबर हैं, 5400 के। तो योग्य प्रार्थी यहां ऐड कर दीजिए 30% और बराबर में 5400। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसे किस तरह से सेट करना है यही आपको सीखना है। एक बार मैं सॉल्व करके फिर रिपीट करूंगा। तो अब इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो x गुणे में 90% का मतलब क्या है, 90 बटे में 100, और प्लस 30% का मतलब है 30 बटे में 100 बराबर 5400। सिंप्लीफिकेशन आप लोग जानते हैं कि नहीं, जानते ही होंगे। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 9 से काटिए, 9 6 54, 3 से काटिए, 3 2 6, ये बचा 200 और ये बटे में 10 और 10 है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो उधर चले जाएंगे, तो ये 200 में अगर दो जीरो हम और ऐड कर देंगे तो 20,000।
ऑप्शन में है कुल प्रार्थियों की संख्या 20,000, ऑप्शन बी में है, आप लोग टिक करिए। आइए फिर से समझते हैं इसे। इसने कहा कि एक परीक्षा में 10 प्रार्थी अयोग्य पाए जाते हैं, 10%। तो ये पहले 100% थे, 10% इसमें से घट गए तो 90 ही तो बचे। अब हमें योग्य प्रार्थी निकालना है, तो हमने टोटल विद्यार्थी x मान लिया, x के 90% योग्य हैं, तो टोटल योग्य ये हो गए। अब इसे 100% लेकर चलिए, इस योग्य विद्यार्थी में जो x इंटू 100% है, इसे 90% है, इसे 100% मानिए, क्योंकि यही तो योग्य है। तो इस 100% में से 70% जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं और 30% जो हैं अदर कास्ट के हैं, वो अन्य वर्ग के हैं, और उनकी संख्या हमें बता दी गई है कितनी, 5400। परसेंटेज नहीं बताया गया, संख्या बताई गई। अरे अगर दूसरे का परसेंटेज बता दिया गया, अरे ऐसे देखिए ना कि 100% है, हमें बता दिया कि इसमें 70% जनरल कैटेगरी के हैं, तो कितने बचेंगे, 30% ही तो बचेंगे जो अदर कैटेगरी के हो जाएंगे, अन्य वर्ग के हो जाएंगे। तो इसे 30% के बराबर 5400 दिया है, तो क्वेश्चन हमें इसी पर बिठा देना है, सॉल्व हो जाएगा। तो हमने जब परसेंटेज निकाला तो कितने आ गए, 20,000। तो इस तरह से आज हमारा वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। एग्ज़ाम और आपके इलेक्शन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करने के प्रयास किए, हर कॉन्सेप्ट मैंने अलग अलग आप लोगों को बताया, और मुझे नहीं लगता अगर आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देख लिया है तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बचने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे हम लोग हो सकेगा तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में। अगर आप लोग कहेंगे तो परसेंटेज में अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो भी मैं लेकर आ जाऊंगा। जिस तरह से आप लोगों की डिमांड होगी वैसे ही मैं आप लोगों को लेकर चलने वाला हूं, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह से प्रिपरेशन करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें।